Hi guys, I am Neetu Nigam and welcome to my channel, My Paathshala by Neetu Nigam. ये मैं आपके लिए आज क्लास सेकेंड मैथ्स ओलंपियाड एग्जाम से रिलेटेड वर्कशीट लेकर आई हूँ. ये वर्कशीट नंबर वन है. इस तरह करीब 5 वर्कशीट मैं लेकर आऊँगी जिसके माध्यम से आप अपने बच्चों की प्रैक्टिस करवा सकते हैं. तो चलिए पहला क्वेश्चन देखते हैं. फाइंड आउट द रिलेशन. उत्तराखंड देहरादून गोवा व्हाट. जिस प्रकार उत्तराखंड का रिलेशन देहरादून से है उसी प्रकार गोवा का रिलेशन क्या है. तो उत्तराखंड की कैपिटल देहरादून है तो गोवा की कैपिटल हमारी हो जाती है पन्ना जी. तो करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन बी पन्ना जी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर टू. फाइंड द मिसिंग नंबर इन द पैटर्न गिवन बिलो. ये एक पैटर्न दिया गया है इसके आधार पर हमें बताना है कि नेक्स्ट यहाँ पर नंबर कौन सा आएगा. 2, 4, 6, 8 क्वेश्चन मार्क एंड 12. अब यहाँ पर हम देख रहे हैं कि सभी अंक में प्लस टू का ऐड हो रहा है. 2 + 2 = 4, 4 + 2 = 6, 6 + 2 = 8 and 8 + 2 = 10. तो करेक्ट आंसर यहाँ पर हो गया ऑप्शन बी = 10 ऑप्शन है. दिस इज द करेक्ट ऑप्शन. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3. फाइंड द नंबर डैट कंटिन्यू ईच सीक्वेंस इन मोस्ट सेंसेबल वे. इसमें से नेक्स्ट सीक्वेंस में कैसा है क्या आएगा यहाँ पर. 11, 10 क्वेश्चन मार्क 100, 1001, 1001. यहाँ पर नेक्स्ट सीक्वेंस हमारा क्या हो जाएगा. तो करेक्ट आंसर ऑप्शन है 101, बी 110, सी 111 एंड डी नन ऑफ दिस. करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पर 101. नेक्स्ट देखिए इस प्रकार हमारा सीरीज जा रहा है 10, 11, 10 फिर 100 एंड फिर 100, 100, 1001 फिर 1000 फिर 10001. इस प्रकार सीरीज एक सीक्वेंस में जा रही है. तो करेक्ट आंसर हो जाता है 101. क्वेश्चन नंबर 4. इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन चूज द वन विच इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर्स. इसमें से कौन सा एक ऑप्शन है जो दूसरे से अलग है. वन विच डिफरेंट फ्रॉम द अदर दूसरे से अलग है. ऑप्शन ए 9, बी 11, सी 15 एंड डी 14. करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी 14. क्योंकि 14 जो है हमारा इवन नंबर है जबकि 9, 11 एंड 15 ऑड नंबर है. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन डी. क्वेश्चन नंबर 5. चूज द ऑड वन आउट. आई रेडा लेवल या मंकी. करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी मंकी. ऑड वन आउट में इसका आंसर हो जाता है ऑप्शन डी मंकी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर की तरफ हम बढ़ेंगे. क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हो जाता है हमारा 6. अ कर्टन हैज 3 कलर रेड व्हाइट एंड ब्लैक. इफ रेड इज ऑलवेज व्हाइट, व्हाइट इज कॉल्ड ब्लैक एंड ब्लैक इज कॉल्ड ग्रीन. तो देन विच कलर ऑन द लास्ट स्ट्रिप ऑन द कर्टन. कर्टन का लास्ट स्ट्रिप कौन सा होगा. चलिए सबसे पहले हम क्वेश्चन को समझ लेते हैं. कर्टन हैज 3 कलर्स हैं रेड व्हाइट एंड ब्लैक. यदि रेड को हम व्हाइट कह रहे हैं और व्हाइट को ब्लैक कह रहे हैं और ब्लैक को ग्रीन कह रहे हैं तो देन द कलर ऑन द लास्ट स्ट्रिप. लास्ट स्ट्रिप हमारा क्या है ब्लैक. ब्लैक इज द कॉल्ड ग्रीन. अगर ब्लैक को हम ग्रीन कह रहे हैं तो कर्टन का कलर क्या होगा. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ब्लैक को हम क्या कह रहे हैं ग्रीन. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ग्रीन. क्वेश्चन नंबर 7. इन विच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चन विच अल्टरनेटिव विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क. यहाँ पे क्वेश्चन मार्क पर कौन सा रिप्लेस होगा. तो चलिए समझते हैं क्वेश्चन को. क्वेश्चन नंबर 7. (4:16) = 16:16. 4 को हम क्या करेंगे कि 16 प्राप्त होगा. तो यहाँ पर देख लीजिए 4 × 4. अगर सेम डिजिट को हम सेम डिजिट से मल्टीप्लाई करते हैं 4 × 4 = 16. इसी प्रकार 16 × 4.
4 को हम 4 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं तो 16, 4, 4 जा 16, उसी प्रकार 16 को अगर हम 4 से करेंगे तो 16, 4 जा क्या होगा 64. सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन बी 64. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8 और 8, 9, 10 थ्री क्वेश्चंस में डायरेक्शन दिया गया है. क्वेश्चन नंबर 8 टू 10 ऑब्जर्व द गिवन फिगर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. चलिए इस फिगर को पहले हम देखते हैं, उसके अकॉर्डिंग हमें इसका आंसर देना है. 8, 9, 10 हमको इस फिगर के अकॉर्डिंग आंसर देना है. चलिए क्वेश्चन नंबर 8 में है, ये अम्ब्रेला का फिगर दिया गया है. अम्ब्रेला के फिगर जैसे ऑब्जर्व द गिवन फिगर केयरफुली एंड आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चंस. यहाँ पर देखिए लेफ्ट डी से शुरू होता है और राइट पर के हो रहा है. विच अम्ब्रेला इज टेंथ फ्रॉम द राइट एंड. राइट एंड से विच अम्ब्रेला इज टेंथ फ्रॉम द राइट एंड. चलिए यहाँ हम टेंथ फ्रॉम राइट एंड से टेंथ फ्रॉम अगर हम यहाँ से काउंट करना शुरू करते हैं तो यहाँ से हो जाता है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 and 10. 10 पे हमारा क्या हो जाता है ऑप्शन डी. तो डी इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन ए इज इक्वल टू डी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9. क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ हम देखते हैं. If Suhani took the immediate left umbrella of the umbrella K, which umbrella did she take? If Suhani took the immediate left umbrella of the umbrella K, left umbrella को K के position पर हम चले जाते हैं तो which umbrella did he take? तो कौन सा umbrella वो लेगी? तो correct answer हो जाएगा, यहाँ इसको right K को हम इधर ले लेते हैं तो M हमारा इस तरफ चला जाएगा, ये पोजीशन चेंज हो जाता है. के और एम पोजीशन चेंज हो जा रहा है, लेफ्ट वाले अम्ब्रेला से वो चेंज करेगी तो एम के पे आ जाएगा, के एम पे आ जाएगा तो वो अम्ब्रेला लेगी एम. सो करेक्ट आंसर हो जाता है 9 का ए. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10. आइडेंटिफाई द पोजीशन ऑफ द ब्लू अम्ब्रेला फ्रॉम द लेफ्ट विच इज जस्ट लेफ्ट ऑफ रेड एंड जस्ट राइट टू ग्रीन अम्ब्रेला. सो यहाँ पर हो जाएगा रेड ग्रीन फिफ्थ पोजीशंस पर ये हमारा हो जाएगा. ये कलरिंग आपको सही से नहीं दिख रहा है तो इसीलिए इस क्वेश्चंस को हम रहने देते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ बढ़ते हैं. सेक्शन बी डे टू डे मैथमेटिक्स आ जाता है, इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चंस होते हैं. द स्मॉलेस्ट थ्री डिजिट ऑड नंबर अमंग द फोर ऑप्शन. स्मॉलेस्ट कौन सा डिजिट है तो ये हमारा हो जाता है 11 का बी 205. दिस इज द ऑड नंबर थ्री डिजिट स्मॉलेस्ट नंबर. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग इज द प्रोसीजर ऑफ 390. प्रीसीजर मतलब पहले, प्री इसको इस तरह समझेंगे प्री, या फिर जो नंबर दिया रहता है उसमें से हम माइनस वन करते हैं तो हमारा ये प्रोसीजर हो जाता है. तो इसमें से हम 9390 में से 1 माइनस करेंगे तो 10 में से 1 गया हमारा 9 हो गया, ये हो गया 8 और ये हो गया 2. तो ये हो गया हमारा 389. 0 1 में से गया या 8 हो गया, 10 में से 1 गया 9, 8 एंड 2 3. तो 389 इज द करेक्ट आंसर. प्रोसीजर में हम जो भी नंबर रहता है उसमें से हम माइनस 1 करते हैं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस की तरफ हम बढ़ते हैं. क्वेश्चन नंबर 13. Fourteen is the more than ten, but less than twenty-four. से कौन नंबर बड़ा है एंड बट लेस देन 24, लेकिन लेस देन 24 है. तो करेक्ट आंसर हो जाता है यहाँ पर ऑप्शन ए.
4 is the more than 10. 14 is the more than 10. 14. 4 is the end, but 10 is the less than 24. इसी प्रकार 610 माइनस 4 इज इक्वल टू 610 का मतलब यहाँ पे हो जाता है क्वेश्चन नंबर 14. 610 मतलब 60 में से हम माइनस 4 किसके इक्वल होगा, 60 में से 4 जाएगा तो हमारा हो जाएगा 56. तो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15. क्वेश्चन नंबर 15 में हम देखेंगे टू इंटू टेन इजकल टू फोर इंटू, यानी इधर जो नंबर दिया गया है उसी को मल्टीपल करके अगर हमको यहाँ 20 प्राप्त हो रहा है, टू इंटू टेन इजकल टू 20, तो फोर में किसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये भी हमारा 20 होगा. तो फोर इंटू फाइव इजकल टू 20. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन ए, 5. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16. मिस्टर राजस्वेत 4 स्कर्ट फॉर हर डॉटर. See two red buttons on each skirt. See two more pink buttons than red buttons. How many buttons did she sew together? चलिए इसको सॉल्व करते हैं. चलिए इसको समझ लेते हैं. मिस्टर राज ने 4 स्कर्ट लिए थे और अपने 4 स्कर्ट के लिए 2 रेड बटन इन्होंने लिए. तो यहाँ पर क्या हो गया, 4 इंटू 2, चारों स्कॉट में दो दो बटन इन्होंने रेड बटन लगाए, तो ये हमारे हो गए 8. उसके बाद कहा जा रहा है ही सीव टू मोर पिंक बटन देन रेड बटन. रेड बटन से दो ज़्यादा पिंक बटन उन्होंने लिया. तो रेड बटन कितने थे, 2 थे, तो पिंक बटन कितने हो गए, 4, और वो भी सभी स्कॉट में लगाए गए, तो 4 इंटू 4 ये हो गए हमारे 16. तो 16 और प्लस 8, इन दोनों को हम प्लस कर देंगे, तो 16 प्लस 8 इक्वल टू हमारा हो गया 24. सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, 24. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17 में चलिए हम देख लेते हैं, नीचे इसको कर लेते हैं क्वेश्चंस को. 17, हाउ मेनी ट्रीज आर देयर इन सम ऑफ 63 टू 27. 63 एंड 27 के सम में कितने आएंगे. हाउ मेनी 3, यानी कितने 3 इसमें, आर देयर इन सम ऑफ 63 प्लस 63 एंड 27, दोनों के सम में कितने थ्रीज आएंगे. ठीक है, तो यहाँ पर हो जाता है, करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी, 30. इन दोनों के बीच में कितने थ्री आएंगे, तो इसको हम इस प्रकार ले सकते हैं, 27 के बाद थ्री हमारा कौन सा आ रहा है, 27 एंड 30, फिर हमारा हो जाता है 33, फिर 36, इस तरह टोटल करके 63 तक हम काउंट करेंगे और वो नंबर हमारा 30 हो जाता है. तो बच्चों इसे आप करके देखिए, अगर आपको कोई दिक्कत आ रही है तो कमेंट बॉक्स में हमें अवश्य बताएं. चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 टू 20, ये फिगर दिया गया, इसके अकॉर्डिंग 18 टू 20 क्वेश्चंस नंबर हम देखेंगे कि किस तरह सॉल्व करना है. चलिए क्वेश्चन नंबर 18, द मास ऑफ द पैकेट ऑफ बिस्किट इज, इसको मैं इरेज कर देती हूँ पहले. द मास ऑफ पैकेट ऑफ बिस्किट इज डैश ग्राम लाइटर देन द मास ऑफ द पैकेट ऑफ फ्लोर. कितने बिस्किट इज लाइटर देन द मास ऑफ पैकेट ऑफ फ्लोर, कितने ग्राम फ्लोर से बिस्किट का पैकेट जो है हल्का होगा. तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 150 ग्राम. ये फ्लोर हो गया, ये बिस्किट प्लेस, ये तो 150 ग्राम.
द मास ऑफ टू पैकेट ऑफ फ्लोर, फ्लोर का दो पैकेट कितने ग्राम का होगा? ठीक है, करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन डी। किस प्रकार, देखिए फ्लोर की एक ये फ्लोर है 350, एक ग्राम फ्लोर के हैं तो टू पैकेट्स कहा जा रहा है, तो इसमें हम टू से मल्टीप्लाई कर देंगे या फिर इसको दो बार प्लस कर देंगे, तो ये हमारा प्राप्त हो जाएगा 700। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20। क्वेश्चन नंबर 20 में हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20, द मास ऑफ फोर पैकेट ऑफ बिस्किट इज, तो एक बिस्किट पैकेट का दाम है 150 ग्राम। ठीक है, 150 ग्राम है तो चार पैकेट का कितना हो जाएगा? क्वेश्चन नंबर 21, द मिनट हैंड टेक, मिनट मूव फ्रॉम 3 to 9, 3 to 9 में मूव करने के लिए क्लॉक कितने टाइम लेगी? चलिए यहाँ पर हमने क्लॉक ले लिया है, यहाँ पर देखिए 3 से 9 की तरफ जाने के लिए, देखिए यहाँ पर 3 से 9 के हैंड की तरफ जाने के लिए कितने मिनट का टाइम लेगी, तो यहाँ पर हम देख लीजिए 3 से 4 5 5 10 15 20 25 एंड ये 30, 5 मिनट का डिफरेंसेस रहता है, ये टोटल हो गया 30 मिनट्स। तो करेक्ट आंसर हो गया ऑप्शन डी, 30 मिनट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 22, गोलू विलन लेशन स्टार्टेड एट 9 AM, द लेशन लास्टेड फॉर 1 आवर, द लेशन एंड एट, अगर गोलू ने 9 बजे अपना लेशन स्टार्ट किया था तो कितने बजे वह खत्म करेगा? तो चलिए इसको देख लेते हैं, गोलू ने 9 बजे स्टार्ट किया था 9 AM पे, तो खत्म होगा उसका 1 घंटे का टाइमिंग है, तो 1 घंटे में 10 AM पे वो अपना लेशन कंप्लीट करेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 23, हाउ मेनी टी शर्ट कैन नाउ ही बाउ फॉर ₹30? 30 रुपीज़ में हम देखेंगे कि कितने टी शर्ट उसने खरीदे हैं। हाउ मेनी टी शर्ट कैन नाउ ही बाउ ₹30? इससे पहले हम देखेंगे 23 से 25 के लिए हमारा डायरेक्शन दिया गया है, XYZ शॉपिंग सेंटर इज हैविंग हाफ प्राइस सेल, और टी शर्ट विच ऑरिजिनली कॉस्ट ऑफ ₹10 नाउ गोइंग टू ₹5, 10 रुपीज़ का टी शर्ट है जो 5 रुपीज़ में खरीदा जा रहा है, तो हाउ मेनी टी शर्ट कैन नाउ ही बाउ 30 रुपीज़ में, 30 रुपीज़ में कितने टी शर्ट खरीदे जाएंगे? तो एक टी शर्ट 5 रुपीज़ में है, तो यहाँ पर हो जाएगा 30 रुपीज़ में कितना टी शर्ट हो जाएगा, तो 30 divided by 5, तो 5 6 30, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा आंसर 6, तो 30 रुपीज़ में 6 टी शर्ट खरीदा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 24, गिवन दैट द ओरिजिनल पीस ऑफ पेयर ऑफ जीन्स इज ₹18, व्हाट इज द टोटल प्राइस ऑफ द बैग एंड पेयर ऑफ जीन्स आफ्टर द डिस्काउंट? डिस्काउंट के बाद उसे कितने में खरीदा जाएगा? ओरिजिनल प्राइस ऑफ टोटल जीन्स इज 18 है, हाफ प्राइस सेल में छूट दी जा रही है, तो 18 रुपीज़ की जीन्स है, तो यहाँ पर जीन्स हो जाएगी 9 रुपीज़ की ही, टोटल प्राइस ऑफ द बैग एंड पेयर ऑफ जीन्स आफ्टर डिस्काउंट, डिस्काउंट के बाद वो कितने में खरीदेंगे? तो यहाँ पर हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, लीला हैड 3 5 notes एंड 10 rupees आफ्टर नोट 5 2 rupees, चलिए इसको फिर से देख लेते हैं ध्यान से, पहले सॉल्व करते हैं। लीला हैड 350 rupees नोट, 2 10 rupees नोट एंड 5 2 rupees नोट, आफ्टर ही ट्रीटेड हर फैमिली टू डिनर सी हैड द 65 left, हाउ मेनी मच डिड डिनर लॉस्ट, डिनर कॉस्ट, अगर लीला के पास 350 rupees थे तो कितने हो गए? 150 मीन्स 150, 2 10 rupees मीन्स 20 एंड 5 2 rupees मीन्स यहाँ पे हो गए 10,
ये टोटल कितने हो गए, 0, 5 to 7 और 1, 8, 180 रुपीस थे और उसके बाद उसे 65 रुपीस बच गए। तो डिनर में कितना लगा ये हमें निकालना है, तो इसको हम माइनस करेंगे, 10 में से 5 गया, 5 इधर से एक क्रॉस हो गया, यहाँ इधर ले लिया, तो 7 में से 6 गया 1 और ये 1, 115 रुपीस उसको लंच डिनर्स में लगे। तो करेक्ट आंसर हो जाता है ऑप्शन सी, 115। तो ये थे आपके वर्कशीट, मैथ क्लास ओलंपियाड के हिसाब से मैथ की वर्कशीट है। तो इस तरह के क्वेश्चंस को आप अपने बच्चों को सॉल्व करवा सकते हैं। आई होप ये वीडियो आपको अच्छा लगा, प्लीज हमें कमेंट करके अवश्य बताएं कि आपको ये वीडियो कैसा लगा और इस तरह की और वर्कशीट आप लेना चाहते हैं या नहीं। थैंक यू।